को जाकर के यह बात कहने की जरूरत है कि आप वोट देते हैं किसी उम्मीदवार को, किसी पार्टी को, लेकिन जब वो चुनाव जीत करके चला जाता है तो उसको लोग रिजॉर्ट रिजॉर्ट लेकर के घूमते रहते हैं। नहीं सुने हैं कोना कोना कौन कोना सत लिखबुतो कोना रिजॉर्टे रिजॉर्ट जो है विधायक घूम रहा है। अपना विधायक ये बस में बिठा के ले जा रहा है, उसका विधायक वो बस में बिठा करके ले जा रहा है। लोग 2015 में जब वोट किए थे तो बीजेपी के खिलाफ वोट किए थे, नीतीश जी के पक्ष में वोट किए थे, लेकिन जब चुनाव हो गया तो उसके कुछ साल साल कुछ महीने के बाद जो है फिर से पुराने वाला गठबंधन जो है वो स्थापित हो गया। अक्सर चुनाव में लोग जो है ईवीएम हैक होने की बात करते हैं। हमने कहा बिहार तो अद्भुत राज्य है, यहाँ तो जो है ईवीएम हैक नहीं होता है, यहाँ तो बीजेपी सीएमए हैक कर लिया है। इसीलिए जब आप अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए जाएँ तो आप यह भी सुनिश्चित करें कि ये उम्मीदवार आपके मतों का दुरुपयोग ना करें। और 5 साल में एक बार मौका आता है कि आप अपने भविष्य के लिए, रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, सड़क बिजली पानी के लिए, रोजगार के लिए और सबके आत्मसम्मान के लिए मतदान करें, यही हमारा आग्रह रखना है। बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन अगर आप किसी भी मानदंड की बात करेंगे, चाहे आप विकास के मानदंडों की बात करें, शिक्षा के मानदंड की बात करें, रोजगार के मानदंड की बात करें, विस्थापित के मानदंडों की बात करें, तो बिहार जो है आज भी पिछड़े राज्यों की सूची में क्यों है। और बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का बात किया गया, 1,20,000 करोड़ का पैकेज देने का बात किया गया, आखिर इन सारे वादों का क्या हुआ है? तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव का स्टूडेंट की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, किसानों की तरफ से, महिलाओं की तरफ से और बिहार के एक एक नागरिक की तरफ से यही आग्रह है, यही अपील है, उनकी एक ही उम्मीद है कि इस बार का नारा बदलाव का नारा है। बिहार में बदलाव होना चाहिए। न सिर्फ सरकार बदलने की हम बात कर रहे हैं, न सिर्फ हम विधायक बदलने की बात कर रहे हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि बिहार का जो सूरत हाल है उसमें बदलाव हो।